जैन साथियों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली डीडीए वेरियस पोस्ट 2020 के बारे में गाइस कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें कैसे होगा, आपको वहाँ पे बैक स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें कितनी होनी चाहिए, और फ्रेंड्स आपके पेपर कब से होंगे, कई फ्रेंड्स के डाउट थे हमारे पेपर कब से होंगे। फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपका जास्त में ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने गूगल पे चलते हैं हम। दोस्तों, गूगल पे आके आपको फिलअप करना है सबसे पहले सरकारी रिजल्ट.com। फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल साइट है, आपको ये ओपन कर लेनी। तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक सरकारी रिजल्ट.com, आपको दोस्तों साइट ओपन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, नीचे आइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डीडीए वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट दिल्ली डीडीए वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 292। और फ्रेंड्स, देखिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर बात, आपकी इसमें टोटल पोस्ट 629 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है पोस्ट के बारे में। अगर आपने दोस्तों फॉर्म फिलअप किया है तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में, आपके पास दोस्तों प्लस टू पास होनी चाहिए थी, आपकी टाइपिंग स्पीड है दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी में आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। मैं आपको दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है, जो उनका एक नोटिफिकेशन है, आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऊपर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट सेल, ठीक है दोस्तों, आपको इसके नोटिस पे आ जाना है, सही नोटिफिकेशन पे। फिर नीचे चलते हैं हम। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, किस स्टूडेंट का डाउट था कि सर ये पोस्ट कौन सी है, ग्रुप डी की है, ग्रुप बी की है, ग्रुप सी की है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब है, अगर आप इस जॉब में लग जाते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, ये जो कि पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें, ना कि ग्रुप डी की है, काफ़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी तैयारी आप अच्छे से जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिटवीन 18 से 27 आपकी एज मांगी गई थी इसमें, और जो भी इसमें डीडीए में ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट जॉब पे हैं उनकी दोस्तों इसमें 18 से 40 साल की इसमें एज मांगी गई थी। आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते थे, आप इसका जो भी डीडीए में ऑलरेडी थे पहले, मतलब इस जॉब पे हैं उनके पेरेंट्स, और आपकी इसमें मिनिमम एज आप देख लीजिए 18 से 27 आपकी इसमें एज होनी चाहिए थी। अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स, आपके पास प्लस टू पास होनी चाहिए थी इसमें। फ्रेंड्स, बात आती है कि टाइपिंग स्पीड के बारे में आपकी बात आती है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी दोस्तों इसमें इंग्लिश में टाइपिंग है, अगर आपकी टाइपिंग दोस्तों इंग्लिश में अच्छी है, आपके पास 35 वर्ड पर मिनट आपके पास होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास दोस्तों इंग्लिश में टाइपिंग आपकी अच्छी है तो आपके वहाँ पे दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होने चाहिए इंग्लिश में। अगर आप दोस्तों हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में होने चाहिए, ओके। और आप डाउट था सर आपका, मतलब कि इसमें आपको बैक स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपकी डिफेंस जो होते थे कि CRPF, CISF, BSF, उनमें फ्रेंड्स आपका बैक स्पेस आपको टाइपिंग में नहीं देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, आपकी जो ये पोस्ट है डीडीए वाली, आपकी कोई डिफेंस की जॉब नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टाइपिंग्स में जो बैक स्पेस होता है आपको 100% देखने को मिलेगा। आपका टाइपिंग में बैक स्पेस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, आपको वहाँ पे बैक स्पेस जरूर मिलेगा। और अब सर आपका डाउट था कि इसमें हमारे पेपर कब से होंगे, तो फ्रेंड्स देखिए 3 मई तक आपके पेपर होंगे ही नहीं, आपको पता ही होगा इस बारे में, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है। जब फ्रेंड्स आपका अच्छे से लॉकडाउन खुल जाएगा, आप मान के चलो जून जुलाई तक आपके पेपर इसमें हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप पेपर की टेंशन मत लीजिए, आप प्लीज तैयारी अच्छे से कीजिए इसके बारे में, काफी अच्छी जॉब है ये, बहुत ही अच्छी जॉब है सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपने पक्का फिलअप किया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। और दोस्तों, आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दिया है, ठीक है, आपके बैक स्पेस के बारे में बता दिया, आपकी टाइपिंग स्पीड के बारे में बता दिया है। और किसी ने डाउट था सर आपके, मतलब इसमें सर आपने दोनों टाइपिंग ली जाएगी या एक ली जाएगी, तो दोस्तों देखिए आपसे ये नहीं है कि वहाँ पे पहले आपसे इंग्लिश में टेस्ट लिया जाएगा फिर हिंदी में लिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोस्तों सिर्फ एक टेस्ट देना है, आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, आपके ऊपर डिपेंडेड है वो। आपकी अगर हिंदी में अच्छी टाइपिंग है आप हिंदी में दोगे, आपकी इंग्लिश में टाइपिंग अच्छी है आप इंग्लिश में दोगे, आपका सिर्फ वहाँ पे एक टेस्ट होना है, दो नहीं होने हैं, ओके। आपका ये डाउट था मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। आपको फिर भी कुछ डाउट लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। ये चैनल आपका है,
ठीक है, आपको चलाना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो लाइक नहीं करते दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि भाई आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से भाई मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप कुछ भी डाउट लगे आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।